Good morning. In this lecture we will talk about example, the same example on Hall's effect using mechanics. यहाँ कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल होंगे, कॉन्सेप्ट एकदम सेम होगा. आप ना ये देखेंगे इस लेक्चर में कि किस तरीके से वो इस टॉपिक को, Hall's effect को मैकेनिक्स के साथ कनेक्ट करता है, कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें इन्वॉल्व करता है. बड़े अच्छे से इससे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, समझे ना, तीन चार चैप्टर को कंबाइन करके. देखिए मैंने क्या किया, ये कंडक्टिंग रेल्स हैं, कंडक्टिंग रेल्स, ये और ये कंडक्टिंग रेल्स हैं. ये एक रेजिस्टेंस है और ये कंडक्टर है. ए बी इज अ कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग रॉड, ए बी एक कंडक्टिंग रॉड है, क्लियर. इसको यहां से छोड़ दिया जाता है, इस सिचुएशन से इसको छोड़ दिया जाता है. नीचे ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है और इसका मास एम है. आपको बताना है पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर, अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर, आर के अक्रॉस एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी. सेकेंड पॉइंट, करंट इन रेजिस्टेंस एट एनी टाइम टी. मैग्नेटिक फील्ड यहां एग्जिस्ट करता है अंदर की ओर यूनिफॉर्म, इस अरेंजमेंट के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. इस प्रकार से प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. सेकेंड पॉइंट, करंट इन रेजिस्टेंस एट एनी टाइम टी. थर्ड पॉइंट, करंट नहीं, नॉट करंट, फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन वायर ए बी एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर इस ए बी पर फोर्स बताइए. ये तीन क्वेश्चन देखो कैसे सोचेंगे, इसको सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करेंगे. मैं किसी टाइम टी पर फिगर बनाता हूं, मुझे क्या दिखाई देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनाइट है नीचे तक, ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा कुछ नीचे जाकर, इन्फिनाइट. किसी टाइम टी पर जाने के बाद ये नीचे जाएगा, यहां से छोड़ते ही ये इसकी वेलोसिटी जीरो है, इस वक्त इसकी वेलोसिटी जीरो है. देखो कुछ करने से पहले इसको समझते हैं, ऐसे ही नहीं कि एकदम डायरेक्टली इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, पहले समझते हैं कि होगा क्या. ये तीन चीज़ें उसने क्यों पूछी. अगर आप इसको यहाँ से छोड़ते हो तो क्या होगा, इस पर एम जी लग रहा है इस वक्त नीचे की ओर, जिससे कि इसमें नीचे की ओर एक्सेलरेशन आएगा, जिससे कि अब इसमें नीचे की ओर वेलोसिटी आएगी. जैसे ही इसमें वेलोसिटी आएगी ये बैटरी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा. बी वी एल ए और बी के अक्रॉस मैग्नेट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना लगेगा. बी वी एल में वी आता है यानी बैटरी का ईएमएफ, सॉरी वी पे डिपेंड करता है. जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा वी, बढ़ता जाएगा तो बैटरी का ईएमएफ बढ़ता जाएगा. बैटरी का ईएमएफ डायरेक्टली वो पोटेंशियल डिफरेंस इस आर को फील होगा. और यहां आप बोलोगे ये बी पॉजिटिव, बोलोगे आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, वेलोसिटी नीचे है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा, नेगेटिव टर्मिनल ये होगा, इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगी और वो करंट क्या आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी ए बी अपॉन आर. करंट क्या आएगी, वी ए बी अपॉन आर आएगी, नहीं आएगी. जैसे ही जैसे ये कंडक्टर नीचे जाता जाएगा उसी तरीके से V बढ़ता जाएगा समय के साथ साथ, V बढ़ता जाएगा
करंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि VAB बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। अब जो इसमें करंट है वो किधर है, वो ऐसे है करंट। अब यदि किसी वायर में करंट होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है। कैसे लगेगा वो फोर्स? फर्स्ट फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ बी, फोर्स लगेगा ऊपर, यानी मैग्नेटिक फोर्स अब इस पर ऊपर की ओर आने लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, बी आई एल। नीचे की ओर कौन सा फोर्स है, एम जी। अब इन दोनों फोर्स को देखो, एम जी इज द कॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी, एफ बी बी आई एल विल बी इंक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो बी आई एल बढ़ेगा, क्योंकि आई बढ़ेगा तो बी आई एल बढ़ेगा, समझे। यानी इस फोर्स की प्रेजेंस इस फोर्स को इंक्रीमेंट दे रही है, इस फोर्स की प्रेजेंस ऊपर वाले फोर्स को इंक्रीमेंट दे रही है। इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, एम जी तो एग्जिस्ट करता है, एम जी क्या करेगा, वेलोसिटी को जीरो से बढ़ाएगा, इस वजह से ये करंट जीरो से बढ़ेगी, क्योंकि ये वीए भी जीरो से बढ़ेगा। वीए भी क्या है, बीवीएल, क्लियर। तो इसका मतलब ये एम जी इस फोर्स को जीरो से बढ़ाता है। किसी टाइम टी के बाद इसकी कुछ वैल्यू होगी, ये तो फिक्स होगा, आई बात समझ में। तो किसी टाइम टी के बाद आप एफ बी डी ऐसे बनाओगे, उस वक्त इसकी वेलोसिटी वी मान लेते हैं, ऊपर की ओर बी आई, आई क्या है, बी वी एल बाय आर, ये आई है, बी आई एल, बी आई एल फोर्स, आई क्या है, बी वी एल बाय आर। नीचे की ओर क्या आएगा, एम जी आएगा नीचे की ओर। एट एनी टाइम टी, तो किसी टाइम टी पर यदि मैं इक्वेशन लिखूंगा नेट फोर्स की, एफ नेट, तो नीचे की ओर फोर्स एम जी, ऊपर की ओर फोर्स बी आई एल, जो कि बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर है, बी आई एल, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, बी आई एल। एफ नेट जो आएगा, एफ नेट आएगा एम इंटू ए, ए नेट, समझना, अगर मुझे नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो एफ नेट को एम ए नेट लिख सकता हूं, एम जी माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर। ये मैकेनिक्स का इस्तेमाल है जो मैं अब कर रहा हूं यहां, समझे ना, ये मैकेनिक्स वाली इक्वेशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वाले, न्यूटन सेकेंड लॉ वाले, मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ की, एफ बराबर एम ए। तो ए नेट जो आएगा वो आएगा जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर एम, ये आया ए नेट। ए नेट को लिखा जा सकता है डी वी बाय डी टी, जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एम इंटू वी, डी वी अपॉन g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एम इंटू वी बराबर डी टी। इसको नीचे और इसको इधर, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। t बराबर जीरो पर वेलोसिटी जीरो थी, किसी टाइम t पर वेलोसिटी आएगी वी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एम वेलोसिटी, इंटीग्रेशन लगाएंगे, पहले वी टी आएगा फिर जीरो आएगा तो अपॉन जी आ जाएगा, इसमें लिमिट लगाएंगे तो पहले तो यहाँ वी टी रखेंगे फिर जीरो रखेंगे, तो जीरो माइनस करके रखेंगे टर्म जीरो हो जाएगा, तो माइनस एल एन जी आएगा, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया जी अपॉन में एल एन के, इधर आएगा टी, ये एल एन के फंक्शन के अंदर है। अब यहाँ से इक्वेशन लिखी जा सकती है, देखो कैसे, e टू दी पावर t लिखूंगा मैं g माइनस अपॉन g, तो 1 माइनस अपॉन g आएगा, लेट मी थिंक, ओके, यहाँ अभी बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर एम माइनस, ये भी आएगा, इंटीग्रेट करते हैं तो जो
वेरिएबल का मल्टीप्लायर होता है वो अपॉन में आता है, तो ये मल्टीप्लायर अपॉन में भी आएगा। क्लियर? अब ये टर्म में इधर पहुंचा देता हूं, ये वाला टर्म उधर पहुंचा देता हूं। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आसान वाली है, टिपिकल वाली कैलकुलेशन नहीं है। वी टी बाय जी इधर आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी आर एम माइनस। अब इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग लेने के बाद जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एम इंटू वी टी, यहां आएगा जी ई टू दी पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन आर एम माइनस, ये आएगा। अब इसको इधर पहुंचाते हैं, इसको इधर पहुंचाते हैं, क्योंकि मुझे तो फाइनली वी टी निकालना है ना, ई टू दी पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाय आर एम, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एम वी टी, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ये आ जाएगा। और यहां से फाइनली आंसर अगर निकालना चाहते हैं तो वी टी बराबर आएगा आर एम जी अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर वन माइनस ई टू दी पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एम इंटू टी। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बोरिंग लगेगी, लेकिन रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। ये रिजल्ट है फाइनल, वन माइनस ये रिजल्ट आएगा, वन माइनस ई टू दी पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई आर एम, आर एम जी अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये किसी टाइम टी पर वेलोसिटी आई। आपसे पहला क्वेश्चन क्या किया गया था, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर एट एनी टाइम टी। किसी टाइम टी पर अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो बी वी एल आएगा, वी वो है बी इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दो, तो पोटेंशियल वी अक्रॉस आर यानी वी ए बी वो क्या आएगा, बी वी एल, बी वी एल, वी ये है तो यानी बी एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, आएगा आर एम जी अपॉन बी एल वन माइनस ई टू दी पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर एम इंटू टी, ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस आर के क्रॉस। करंट इन रेजिस्टेंट एट एनी टाइम टी, सिंपल करंट क्या आएगा, वी बाई आर, इस आर को हटा दो, एम जी अपॉन बी एल वन माइनस ई टू दी पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर एम इंटू टी। इसके बाद फोर्स ऑन वायर ए बी एट एनी टाइम टी, फोर्स ऑन वायर ए बी एट एनी टाइम टी, ओके, फोर्स बी आई एल होता है, जो फोर्स होता है वो होता है बी आई एल, तो आई ये है यानी बी एल, तो फोर्स के लिए वन माइनस ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर एम इंटू टी। इस इक्वेशन में बी एल से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसमें बी एल से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, और ये फोर्स हो जाएगा। सो आर से डिवाइड करोगे, इस इक्वेशन में आर से डिवाइड करोगे करंट आएगा, इसमें बी एल से मल्टीप्लाई करोगे फोर्स आएगा, इस इक्वेशन में बी एल से मल्टीप्लाई करोगे पोटेंशियल आएगा, इसमें आर से डिवाइड करोगे करंट आएगा, इसमें बी एल से मल्टीप्लाई करोगे फोर्स आएगा। अब यहां एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ दिस रोड ए बी, इस ए बी की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, या दूसरा वो पूछता है व्हाट विल बी द क्रिटिकल स्पीड ऑफ दिस ए बी, व्हाट विल बी द क्रिटिकल स्पीड ऑफ दिस ए बी, सीमांत वेग क्या होगा, कुछ ऐसे बोलता है वो हिंदी में, है ना। तो
मैक्सिमम भी बोला जा सकता है, क्रिटिकल भी बोला जा सकता है, और एक वर्ड और होता है लिमिटिंग वेलोसिटी। व्हाट विल बी लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ रोड ए बी? आप जरा सोचो, ये एम जी कॉन्स्टेंट है, लिमिटिंग का मतलब होता है टी बराबर इन्फिनाइट पुट कर दो। इसमें यदि आप टी बराबर इन्फिनाइट पुट कर दोगे, टी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, समझे, बहुत लंबे समय के बाद, यानी टी बराबर इन्फिनाइट के बाद v कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो वेलोसिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। v कितना आएगा? आर एम जी अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आएगा, समझना, बहुत लंबे समय के बाद वेलोसिटी आएगी। ये कैसे आया? आप विदाउट इंटीग्रेशन के सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? ये पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद ये मेरे पास इक्वेशन आई, और इसमें मैं टी बराबर इन्फिनाइट पुट करके बता रहा हूँ आपको कि वेलोसिटी सीमांत की आएगी, लिमिटिंग वेलोसिटी की आएगी, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, इन्फिनाइट समय के बाद वेलोसिटी की आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप विदाउट दिस कैलकुलेशन दे सकते हो। कैसे? मुझे पता है कि ये एम जी इस मैग्नेटिक फोर्स को जनरेट कर रहा है, जीरो से बढ़ा रहा है, क्लियर। ये फोर्स इस एम जी के इफेक्ट को कम करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। एम जी का इफेक्ट किस चीज में पड़ रहा है? डायरेक्टली वेलोसिटी पे। एम जी क्या कर रहा है? वेलोसिटी का इंक्रीमेंट कर रहा है, इस रोड की वेलोसिटी में इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर इस रोड की वेलोसिटी पर, सॉरी, इस रोड पर नेट फोर्स नीचे है, अगर इस रोड पर नेट फोर्स नीचे है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इनिशियली एम जी बढ़ा है और ये जीरो है, तो नेट फोर्स नीचे की ओर है, समय बीतता जाएगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी प्रेजेंस इसको बढ़ाएगी, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले। कैसे? अब ये बढ़ता जाएगा तो इस रोड ए बी पर नीचे की ओर लगने वाला नेट फोर्स कम होता जाएगा समय के साथ, धीरे 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 कम होता जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट बढ़ता जा रहा है, ये फिक्स है। एक समय ऐसा आएगा कि ये अमाउंट बढ़ते बढ़ते एम जी के बराबर हो जाएगा, उस वक्त नेट फोर्स इसका जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होते ही इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर जीरो हो जाएगा, और इसका एक्सेलरेशन जीरो होते ही अब इसमें वेलोसिटी में इंक्रीमेंट नहीं होगा, और वेलोसिटी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ यदि तो ये फोर्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और ये फोर्स कॉन्स्टेंट हो गया यदि, ये तो पहले से ही कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब इस ए बी का एक्सेलरेशन अब हमेशा जीरो रहेगा, कभी भी अब एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होने से वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने से ये फोर्स कांस्टेंट हो गया, और ये फोर्स कांस्टेंट होते ही नेट फोर्स जीरो हो गया, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया जीरो, क्लियर। इस वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो वो लिमिटिंग केस है, जो वो मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है, सीमांत वेग जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो हमेशा इस स्टेट में आएगा कि बी आई एल एम जी के बराबर हो जाए। तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे कि बी आई एल कितना आएगा, बी आई एल उस स्टेट की वेलोसिटी की जो मैक्सिमम आए, मान लेता हूँ उस स्टेट की वेलोसिटी वी टर्मिनल है, उस स्टेट में वेलोसिटी में वी टर्मिनल मान लेता हूँ, तो क्या लिखूँगा मैं, बी वी टर्मिनल इंटू एल अपॉन आर इंटू बी इंटू एल, बी आई एल बराबर एम जी, क्लियर। बताना क्या है मुझे, टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी कितना आया, आर एम जी अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आएगी टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब डायरेक्ट आप वही इक्वेशन बना दो जो टर्मिनल स्टेट में आएगी, क्या आएगी वो इक्वेशन, बी आई एल बराबर एम जी, टर्मिनल स्टेट की वेलोसिटी मान लो वी टी, और बी आई एल उसके टर्म में लिख दो, टर्मिनल वेलोसिटी के टर्म में, तो यहां से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी ये है। अब इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद इसमें अगर मैं टी इन्फिनाइट पुट करता हूं तो ये इक्वेशन आएगी 1 माइनस 1 बाई इन्फिनाइट, यानी 1 माइनस 0, यानी 1, ये टर्म इधर आएगा 1, इसका मतलब ये वी टी आएगा आर एम जी अपॉन बी एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये वही आ रहा है जो इधर आया, वी टी बराबर आर एम जी अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, जो ये है। तो मेरी बात शायद आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन और भी डिफरेंट टाइप के फ्रेम किए जा सकते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और फ्रेम कर रहा हूं मैं, देखें यहां इस बार मैं आपको कैपेसिटर देता हूं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नोट अंदर की ओर है, ये लेंथ एल गिवन है आपको,
ए बी, क्लियर, ये कंडक्टिंग ए बी इज कंडक्टिंग रॉड, इसका कैपेसिटेंस आपको सी दिया गया है, ये कंडक्टिंग रेल्स हैं, ये और ये, इसका मास m, t बराबर जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी से इसको जीरो से छोड़ दिया जाता है, मतलब इसको छोड़ा जाता है, यहाँ से लीव किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे तक इन्फिनाइट तक है, काफ़ी नीचे तक जाता है, इन्फिनाइट तक है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, सेकेंड क्वेश्चन, फोर्स ऑन रॉड ए बी एट एनी टाइम टी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रॉड ए बी, ये आपको बताना है, सेम वही पैटर्न है, उसी तरीके से सॉल्व करोगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन, उसमें क्या था, रेजिस्टेंस वाली कैलकुलेशन थी, यहाँ कैपेसिटेंस वाली कैलकुलेशन आएगी, पैटर्न एकदम सेम है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको बड़े अच्छे से आप सॉल्व करेंगे। आपको अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है इस वाले में या इससे पीछे वाले लेक्चर में, तो आप मुझसे जूम लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, पीछे वाले में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, इससे पहले जो मैंने बताया आपको उसमें भी अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मैं जूम लेक्चर पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, अभी उसमें भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, समझे, अगर मैं एक कर्व शेप की स्ट्रक्चर आपको देता हूँ और किस क्वेश्चन में हम एंड्स को मीट कर सकते हैं और किस क्वेश्चन में हम एंड्स को मीट नहीं कर सकते, वो वाली बातें भी हम जूम पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम एक रैंडम शेप स्ट्रक्चर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दोनों एंड्स को मीट कर सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो हम दोनों एंड्स को मीट करके एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, लेकिन कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहां हम दोनों एंड को कनेक्ट करके रोड नहीं बना सकते, ऐसे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको मैं जूम लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसको ध्यान से होमवर्क में आप करके लेके आएंगे।